नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इकतीस दुकानों पर गिरी गाज, डकैती की तैयारी में चार गिरफ्तार, किशोरी से की छेड़खानी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 31 दुकानों पर गिरी गाज, एनडीएस दस्ते ने की कार्रवाई। 31 दुकान और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 2,20,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। कोरोना संक्रमण की चेन खंडित करने के उद्देश्य से मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एनडीएस दस्ते की तैनाती की है। गुरुवार को अलग अलग दस्तों ने कुल 31 दुकान और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की। इसमें 2,20,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया, जबकि शहर के अलग अलग जोन में दस्तों ने 61 मंगल कार्यालय और प्रतिष्ठानों की जांच भी की। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को एनडीएस दस्ते की कार्रवाई में शहर के अलग अलग हिस्सों में विशेष रूप से साड़ियों की दुकानें खुली पाई गई। इसके अलावा कई हार्डवेयर तो कई पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी खुली पाई गई। इससे दस्ते ने इनके खिलाफ कार्रवाई की। जानकारों के अनुसार कोरोना इस त्रासदी में भी साड़ियों की दुकानों का खुला रहना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इसी तरह कुछ हिस्सों में बच्चों के कपड़ों की दुकानें भी खुली पाई गई। तो वही दूसरे और डकैती की तैयारी में चार गिरफ्तार। हुडकेश्वर पुलिस ने बुधवार की रात एक गैंग को डकैती की तैयारी करते चार को गिरफ्तार किया। हुडकेश्वर पुलिस ने बुधवार की रात एक गैंग को डकैती की तैयारी में गिरफ्तार किया। चार आरोपी पुलिस के हाथ लगे, जबकि दो भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गए आरोपियों में ब्रह्मनगर निवासी सागर उर्फ पिचकारी राजेंद्र महात्मे, नीलकमल नगर निवासी अभिषेक उर्फ लावा राय सिंह इनवाते, पुरानी बस्ती दिगोरी निवासी चेतन गुलाबराव दूध बावटे और पीयूष कैलाश चिल्लरवार का समावेश है। अपराधी दिलीप ठौकर और कुनार ठाकरे भागने में कामयाब रहे। रात 11 बजे के दौरान पुलिस दस्ता परिसर में गश्त लगा रहा था। बहादुर फाटा के समीप वसुधा कॉलोनी में पुलिस को उपरोक्त आरोपी संदेहास्पद गतिविधि में दिखाई दिए। घेराबंदी करके चार को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों की तलाशी लेने पर दो तलवार, चाकू और रस्सी बरामद हुई है। तो वही तीसरे और किशोरी से की छेड़खानी। कलमना परिसर में एक युवक ने परिसर में ही रहने वाली किशोरी के साथ छेड़खानी की। पुलिस ने 15 वर्षीय किशोरी की शिकायत पर आरोपी शहनबाज रब्बानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित किशोरी और शहनबाज एक ही इलाके में रहते हैं। मंगलवार की रात 8 बजे के दौरान आरोपी किशोरी के घर के सामने आया, उसे बात करने के लिए बाहर बुलाया। पीड़िता बाहर गई तो शहनबाज ने उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता ने अपने परिजनों को आवाज लगाई, शहनबाज वहां से भाग निकला। परिजनों के साथ थाने पहुंचकर किशोरी ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हैक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।